सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। चली तो पक्का चला कहो वीडियो बना सो गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय माता दी। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं, अच्छा है, मस्त एकदम सो के उठ चुके हैं और सबसे पहले जा रहे हैं नहाने। नहाने के बाद ब्रश खोलूँगा, उसके बाद तो आप लोगों को मिलता हूँ। तो चलते हैं फिलहाल नहाने, तब तक के लिए पास सामने भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, सब सही रखना। फाइनली पूजा वूजा कर लिए, अब चल रहे हैं ब्रश खोलने। जय माता दी, सब सही रखना। तो आज खाने में बना है दाल, चावल, हरी सब्जी, सलाद, इधर थोड़ी चटनी और रोटी। तो मस्त एकदम व्रत खोलने के बाद तब आप लोग मिलते हैं। तो चलो भाई, दोपहर के बज चुके हैं 11 और हम आ चुके हैं यहाँ बाग में, आ चुके हैं यहाँ नदी के किनारे, जहाँ वीडियो कभी कभी शूट करने आ जाते हैं। तो नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से आए हैं। थोड़ा मस्त एकदम हवा चल रही है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को बैक कैमरे से नदी का व्यू दिखाता हूँ इस समय। तो आप लोग देख सकते हैं नदी का व्यू, इस समय पूरा घट गई है। उधर देखिए मंदिर है भूलोटन बाबा, उस पार काफ़ी दूर है इसलिए आएगा नहीं पूरा। इधर देखिए पुल। तो अभी कुछ देर में आ रहा है मैंक, हो सकता है यहाँ पर वीडियो शूट करेंगे और देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो फिलहाल चलते हैं, अभी थोड़ा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने को एक तो बोडा की सिम ले ली है यार, घर पर नेटवर्क ही नहीं चलता, यहाँ पर आके यहाँ पर आके तब अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दो दो तीन तीन एमबी चल रहा है फिलहाल। तो चलिए ठीक है, अभी मैंक आ जाएगा उसके बाद वीडियो शूट करते हैं, तो मिलवाते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर देखिए बंदर, जय बजरंगबली। मैं तो उनके बगल में ही बैठा था, डर गया यार, इधर चला आया। तो चलो भैया, फाइनली जो है हम दोनों थे और 5-6 वीडियो शूट किए हैं फनी वाली, और इनको भी काम है, जा रहे हैं घर। पहले चलते हैं हम अपने घर, उसके बाद जो है तभी जाएंगे अपने घर। अभी शाम को फिर आएंगे और उसके बाद तब बनेगी वीडियो। और वैसे 4-6 बनाए हैं, अच्छी अच्छी बनी है, दिखाएंगे आप लोगों को कल वाले, कल या परसों में डालेंगे वीडियो। तो चलिए ठीक है, फिलहाल अभी सड़क पे हैं, मुर्गी फार्म पे थे, बना रहे थे हम दोनों, और चल रहे हैं घर, देखते हैं क्या होता है। शाम तक के लिए जय हिंद जय भारत। शाम को प्रशांत भी रहेगा। ए वीडियो ना बनाएगी हैं? बनाए जाए। चला चला यही लागे, चला कहाँ जात हो? दुकान लेट हो तो ना, गंगा माई नहा जा। चली तो पक्का चला कहो, कहाँ वीडियो बनाओ। चला तो चलो भाई, आ गए हैं शांतिपुर, अब खाते हैं पकौड़ा, उसके बाद चलते हैं। तो गाइज ये व्लॉग जो है इसमें इसलिए ज्वाइन किए हैं, एक क्योंकि आज ये सुबह का व्लॉग है, आज इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि बड़ा नहीं बना पा। एक्चुअली कारण ये था ना कि हमारे यहाँ जो मूर्ति बैठी है, यहाँ इतना काम धाम रहता है, उसके बाद जो है आज मेला वेला है, तो आज का भी वीडियो अच्छा रहेगा। तो आज सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और आ गए हैं नदी के किनारे। हम हैं करण भाई, चल रहे हैं टहलते टहलते। तो फिलहाल अभी फार्म के यहाँ पहुँचे हैं, और कल जो है हम लोगों की वीडियो बनी है फनी वाली वीडियो, भाई मज़ा आ गया कल तो शूटिंग करके। ऐसी ऐसी वीडियो अब रोज डेली आएगी आप लोगों के बीच, हम मस्त एकदम। और जो काइन मास्टर हमारे मोबाइल में चल नहीं रहा था ना, अब हमको मिल गया है एक ऐसा ऐप, ऐप तो नहीं बता सकते डायरेक्टली, जिसको चाहिए वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसमें एक से एक फीचर है भाई, मस्त एकदम है। और दो एक वीडियो आप लोगों के अभी यहाँ बगल में डाल देंगे, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। गाइज उस ऐप में ना थोड़ा मोड़ा सीखना पड़ेगा, काइन मास्टर से इजी तो नहीं है, थोड़ा है कठिन है, लेकिन सीखना पड़ेगा। 5-6 तो सीखें, लेकिन शॉर्ट वाली मस्त एकदम एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वाली थोड़ा मोड़ा अभी दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल जो है अभी 2-4 और सीखेंगे। सीखने को क्या, शाम को तो रात को हम सीख ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पर पर्दा चलती है तो पर्दा वर्दा लगता है, तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ रामायण वगैरह देखने के लिए। तो कल परसों शायद है मूर्ति भसान है, तो इसीलिए हम लोग रुके भी हैं, मूर्ति के लिए ही रुके हैं। तो मूर्ति बसने के बाद तो टाइम ही टाइम मिलेगा रात को, क्योंकि 11-12 बजे वहीं बीत जाता है, तो अच्छे से सीख लेंगे, तो बड़ी वाली भी उससे एडिट करेंगे। तो जिसको चाहिएगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ एकदम नहीं है जी भाई, चाहे जो रहे मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ भाई, हेल्प करना अच्छी बात है, कभी किसी की हेल्प करके देखिए कितना अच्छा लगता है, हेल्प करने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो हेल्प करते रहिए आप लोग भी, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तो भाई सपने देखो, अपना एक लक्ष्य बना लो, एक अपना सपना बना लो कि हमें ये चीज़ करना है, चाहे जिस हाल में करना है। तो भाई देखिए कुछ दिन के बाद, आज मैं जो भी हूँ, मतलब चाहे जो हमारा सब्सक्राइबर इस समय ना, शुरू शुरू में मैं अकेले वीडियो बनाना शुरू किया था, अकेले,
अकेले इस समय भी हूँ। फिलहाल दो चार लड़के हैं, रहे बनाते रहे। आज देखिए, जब हम यूट्यूब चैनल शुरू किए थे ना, पूरे एरिया में हमारे किसी का चैनल ही नहीं था, किसी का चैनल नहीं था, सिर्फ मेरा था। आज तो चले जाइए, हर घर में आपको मिलेगा एक एक चैनल। कोई गेमिंग वाला वीडियो डालेगा, कोई कॉमेडी, कोई ब्लॉग, मतलब हर प्रकार का मतलब कंटेंट डाल, मतलब हर गाँव में आपको चैनल मिलेगा। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। तो भाई अपना एक सपना बना लो और उस सपनों के पीछे आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, एक दिन देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। 100% 100% कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, सपना अपना बना लो और मेहनत करो। ऐसा नहीं है सपने को लेकर सोते रहो। अभी हम आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले हैं, एक वीडियो अभी बगल में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा कितनी अच्छी लाइन बोले हो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण। गाइस, ये खुशखबरी है, ये जो हमारा मिस्टर श्रीकांत वाइंस वाला चैनल है, इस पे हमारा 2700 घंटा पूरा हो चुका है, बस 1300 और बाकी है। जब हमारा डीमोनेटाइज हुआ था ना, उस समय हमारा 1800 या 1900 घंटा था, इतना पूरा हो गया, 2600-2700 पूरा हो गया है, बस 1300 और बाकी है। भाई भगवान की सब कृपा है। हम तो आप लोगों से कहें, भगवान में बिलीव रखिए और अच्छे अच्छे काम करिए, गलत काम मत करिए। गलत काम अगर किए तो आपके साथ 100% गलत होगा ज़रूर। तो चलिए ठीक, सब भगवान की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। तो किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका डीमोनेटाइज हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। बस आपको अगर किसी को हेल्प चाहिए, हमसे तो ज़रूर संपर्क है, हम तो ज़रूर कर देंगे, इतना गारंटी है। चलिए ठीक है, फिलहाल मोनेटाइज हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोनेटाइज बहुत सारे लोग कह रहे थे मोनेटाइज होगा ही नहीं, लेकिन मोनेटाइज होगा, और जब मोनेटाइज होगा तो बताऊंगा आप लोगों को ज़रूर। और अभी मिस्टर श्रीकांत ब्लॉग वाला ये जो चैनल है, इस पे तो अभी बहुत कम है, 1300 या कल परसों देखे थे 1300 कुछ था। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, बाय बाय। पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। देखो भैया कैसे चलावा समझ, देखा भाई, देखा नहीं, देखा झंडी तुम्हारा तो है। चलाओ भैया चलाओ, कर सकते कर, देखा लतवा, देखा लतवा कहाँ है, लतवा कहाँ है।